Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Very good morning. So, Stream Busy, everybody, good morning. आप लोगों को सभी का स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग सेशन में. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. क्योंकि अभी देखो, हम लोग बहुत सारे लोग हमारे, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल नहीं पूरे इंडिया में, एक जॉब मेंटेलिटी होता है कि मुझे काम करना है, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा. स्टूडेंट में भी यही चीज डाला गया है कि वो पढ़ लिख के बाद कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई मास्टर डिग्री करता है, करने के बाद उसको क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए, कहीं ना कहीं से एक नौकरी लग जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में. एक नौकरी लग जाए तो जिंदगी सेटल्ड है, यही सोच लेके ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं. और स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, आप लोग भी जब फील्ड में काम करने जाते हो तो वहां पे भी ऐसा ही होता है. बहुत सारे लोग ऐसे है जिसको जॉब चाहिए, फिक्स सैलरी होना चाहिए, फिक्स सैलरी चाहिए मुझे कि महीना इतना आएगा, बस वो काम होगा नहीं होगा, बाकी कंपनी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. ऐसे मेंटेलिटी के बहुत सारे लोग है. क्या कहा जाता है कि 100% जितने लोग है ना इस दुनिया में, उनमें 85% लोग जॉब करते हैं. दुनिया में जितने भी लोग है उनमें 100% अगर काउंट करूं, उनमें 85% लोग जॉब करते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं कि मुझे जॉब ही करना है और कुछ नहीं करना. तो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ये सेशन रखा गया है कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों एक बंदा जॉब ना करके नेटवर्क मार्केटिंग करे, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या फायदा मिलता है जो जॉब में नहीं मिलता, वही डिफरेंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे. पूरा सिस्टम में क्या है, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. आपको भी पता चलेगा कि जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है, जॉब में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर एक बंदा क्यों ले, कोई तो मान लो आप भी नौकरी कर रहे हो, सकता है आप भी नौकरी कर रहे हो कहीं पे, आप पार्ट टाइम में वेस्टेज कर रहे हो सकता है, तो वेस्टेज कर से आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, तो एज अ फुल टाइम, एज अ करियर आप वेस्टेज को क्यों लोगे, जॉब को छोड़ के, जॉब को क्विट करके आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज करोगे, ये आपको क्लियर होगा आज. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ, प्रेजेंटेशन हम एक दिखाएंगे आपको, उस प्रेजेंटेशन में एक एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा कि वहां पे एक एक पॉइंट आपको दिया जाएगा जो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, एक बार थोड़ा मुझे बताइएगा. सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस. ओके, चलिए जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, पॉइंट के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब का. चलिए पहला डिफरेंस क्या है, जॉब में ना लिमिटेड इनकम होता है, लिमिटेड इनकम होता है. आप जॉब में किसी भी तरह से अनलिमिटेड इनकम कभी नहीं कर सकते, जॉब में आप अनलिमिटेड इनकम कभी कर नहीं पाओगे. और सबसे बड़ा जो चीज है ना, जॉब में आपका इनकम आपका बॉस डिसाइड करता है, आप अपना इनकम डिसाइड नहीं करते. महीने का 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, 30,000, 50,000, कुछ भी हो वो आपका बॉस डिसाइड करता है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना अनलिमिटेड इनकम होता है, अपने इनकम आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आपको कितना कमाना है, इस महीना आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आप प्लान बनाते हो, उस हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी बनता है, उस हिसाब से आप काम करते हो, उस हिसाब से आप उस इनकम को अचीव भी करते हो. लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता, तो लिमिटेड इनकम आप जॉब में, एक्सेप्शनल तो बहुत जगह है, एक्सेप्शनल चीज को लेके हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जनरल केस में क्या होता है, जॉब में आपका लिमिटेड इनकम होता है. आप किसी भी जॉब में देख लो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें इनकम का लिमिटेशन होता है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है सर, अनलिमिटेड इनकम आप देख चुके हो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में. सिद्धार्थ सर को, जिसका महीने का इनकम लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर है आज के डेट में, जो जॉब से पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है. जॉब में सर कोई सिक्योरिटी नहीं होता इनकम का, इनकम तो आप करते हो लेकिन इनकम का कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं भी आ सकता है. जो कोरोना आके आप सबको दिखा दिया है, कोरोना आके ना पूरा सबका आंखें खोल चुका है कि जॉब कितना सिक्योर्ड है, सबको दिखा दिया है कि आज है कल नहीं भी हो सकता है. कल भी आप कंपनी बोल सकता है मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूज इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि आपका इनकम पूरा नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होता है, पूरा टीम के ऊपर डिपेंड करता
करता है, टीम काम करता है, वहां से भी आपको पैसा आता है, जो सबसे बड़ा चीज है। लेकिन जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप काम करते हो पैसा आएगा, काम करते हो पैसा आएगा। कल अगर आपने काम करना बंद कर दिया या कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम हो गया आपका, आप मान लो 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप जा नहीं पाओगे तो कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी सर। हो सकता है ज्यादा दिन लंबा चला तो आप कंपनी आपको निकाल भी सकती है। तो जो प्राइवेट वाला है ना, वो ज्यादातर इस टेंशन में रहता है, अगर मेरा जॉब नहीं रहा का क्या होगा, हर वक्त ये टेंशन में रहता है वो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले को कोई टेंशन नहीं है, वेस्टिज वाले को कोई टेंशन नहीं है, उसका ह्यूज इनकम सिक्योर्ड। आज आप प्रवीण सर को देख लो, किसी भी लीडर को बड़े लेवल पे जो है उनको देख लो, उनका हाई सिक्योरिटी होता है, क्योंकि पूरा नेटवर्क उनके ऊपर। आज बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो वेस्टिज में काम तो करते थे एक टाइम, लेकिन आज दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, दुनिया छोड़ के जा चुके। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुदर्शन मोहंती सर, आप सब लोगों ने सुना होगा उनका नाम। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैमिली में महीने का लगभग 14 से 15 लाख रुपया इनकम जाता है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बना के गए थे। वो दुनिया छोड़ने के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर सर, जो जॉब में आपको कभी नहीं मिल सकता। ये दूसरा पॉइंट है। चले अगला पॉइंट देखते हैं, नो फाइनेंशियल फ्रीडम। ये तो सबको पता है, नो फाइनेंशियल फ्रीडम, और नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, ये पहले समझना है। बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, आर्थिक आजादी जिसको बोला जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिसके लिए आपको पैसे के लिए कभी चिंता ना करना पड़े, पैसे के लिए आपका कोई काम अटक ना जाए कि भाई आज मेरे पास ये तो नहीं है, अभी मैं इसको ले नहीं पाऊंगा, इस महीने छोड़ देते अगले महीने देखते, ये मेरे तो आउट ऑफ बजट है, ये मेरे बजट के बाहर है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सर किसी का माइक ऑन है शायद, इसीलिए बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है। किसी का शायद माइक ऑन है। हाँ, नॉइज तो नहीं आ रहा है। हाँ, कोई तो नॉइज नहीं आ रहा है, सिंपल। एक थोड़ा थोड़ा नॉइज आ रहा था सर, हो सकता है सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके। तो जो बता रहा था कि कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम उसको बोला जाता है कि आपके पास इतना पैसा हो, आप जो चाहे खरीद सको, जो चाहे आप कर सको, पैसे के लिए आपके जिंदगी में कोई रुकावट ना आए, उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो एक नेटवर्क के पास होता है सर। जॉब में कोई फाइनेंशियल फ्रीडम, जितना पैसा आपको मिलता है ना, वो घर चलाने में चला जाता है, उसमें भी बजट में फेल हो जाता है, पूरा पैसा आपका नहीं लगता, हर महीना आपका लोन हो जाता है, उधार हो जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको हर एक बंदे को फाइनेंशियली फ्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपके पास पैसा तो बहुत है, पैसा तो हो सकता है आपके पास, लेकिन पैसे के साथ आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। अगर टाइम नहीं होगा, उस पैसे को आप एंजॉय नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है आपका। बहुत सारे लोग आप नौकरी में देखोगे, जितना जितना आपका प्रमोशन होगा ना, जितना जितना रैंक बढ़ेगा, जितना आप प्रमोशन होंगे, आपका इनकम बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, उतना आपका टाइम एंगेज हो जाएगा। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट में देखो, जो लोग मैनेजर लेवल पे नौकरी करते हैं, सीईओ है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, विप्रो कंपनी, टीसीएस कंपनी, कॉग्निजेंट कंपनी, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी है जहाँ पे वो लोग नौकरी करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। पैसा तो है, कंपनी महीने का लगभग 1 लाख रुपया सैलरी देती है या 1.5 लाख रुपया सैलरी देती है, गाड़ी भी देके रखा है, घर से लेके जाएगी, घर तक छोड़ के आएगी, लेकिन कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता। तो वो पैसा रहने से भी कोई फायदा नहीं होता, वो पैसा आपके पास रहे या ना रहे कोई फायदा नहीं है। आप उसको अगर एंजॉय नहीं कर पाओगे तो वो पैसे का रहने का क्या फायदा, आप बोलिए, कोई फायदा नहीं है सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा भी मिलेगा, आपको टाइम भी मिलेगा, आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हो, उसके साथ आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो। आप करोड़ों रुपया भी कमा लो ना, अगर जॉब में करोड़ों रुपया भी आपके पास है, बस दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप देख लो, करोड़ों रुपया भी कमा लो, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा होगा। घर में कोई शादी आ गया, कोई ऑकेशन आ गया, मान लो कोई क्लोज रिश्तेदार का शादी है जहाँ पे आपको 3-4 दिन के लिए जाना है, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, वो बीवी बच्चे को भेज देते हैं और वो अपना काम में चले जाते हैं, ज्यादातर यही होता है। उस शादी के दिन शाम को पहुंच जाता है, लेकिन 3-4 दिन की छुट्टी वो नहीं ले सकता, इतना प्रेशर है उसके ऊपर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना, लोग महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कम से कम छुट्टी मना लेते हैं। जो बड़े बड़े लीडर है आप देख लो, 3 महीना 4 महीना वो लोग छुट्टी मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पैसा ऑटोमेटिक आता रहता है। इसी को बोला जाता है कि टाइम
फ्रीडम, उसको टाइम भी मिलता है, पैसा तो है उसके साथ टाइम भी है, जो नौकरी में आपको कभी नहीं मिल सकता सर। अगला पॉइंट है स्ट्रिक्ट बॉसिंग सिस्टम, जो हर कोई नफरत करता है। आपके ऊपर एक बॉस रहता है जिसको हर कोई बंदा नफरत करता है। स्ट्रिक्ट बॉसिंग सिस्टम चलता है, बॉस जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। बॉस बोलेगा राइट साइड जाना है तो राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड जाना है। आज अगर बॉस बोल दिया कि तुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है तो तुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, कोई रोक नहीं, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, करना है मतलब करना है। आप लेट पहुंचोगे, बॉस की गाली सुननी पड़ेगी, 10 बजे आपको ऑफिस में एंटर करना है, किसी कारण से 10:15 हो गया, 10:30 हो गया तो बॉस का गाली पड़ना है। काम अब ठीक से किसी भी कारण से गलती हो जाए उसमें भी गाली पड़ता है। प्राइवेट आज तो गवर्नमेंट में भी होता है। मेरा एक सर है जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ता था कॉलेज लाइफ में, वो सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे सर, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, स्टेट बैंक में नौकरी करते थे। वो बोलते थे, मैं जब मिलने जाता था आखिर में जब रिटायरमेंट हुआ, कि आज डेट वो गवर्नमेंट वाला मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो डिफरेंस है ना वो खत्म हो चुका है। वहां पे स्टेट बैंक में मैनेजर वाले को गाली देके काम किया जाता है सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना मैनेजर को गाली देके काम करवाया जाता है अगर कुछ गलती होता है। तो ये बॉसिंग सिस्टम से हम सब लोग नफरत करते हैं। वो बॉस है ना, अगर कोई बंदूक दे दे तो हम लोग गोली से भी उड़ा सकते हैं, ऐसा सोच हमारे अंदर आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हो, आप खुद का बॉस होते हो। आप जो सोचोगे वही करना है, आप डिसाइड करते हो आपको बिजनेस कब करना है, कब नहीं करना है, कितना इनकम करना है, कितना नहीं करना है, कैसे काम करना है, वो आपका डिसीजन होता है। क्योंकि लाइफ अपना है, करियर अपना है, तो वो डिसीजन आपका होगा, कोई बॉस आपका नहीं है सर। ये सबसे बड़ा फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का। जॉब में क्या होता है, आपका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है, एक टाइम फिक्स्ड होता है कि सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक, हर दिन आपको वही उसी टाइम में जाना पड़ेगा। हफ्ते में 6 दिन आपको वही टाइम में जाना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं है सर, फिक्स रूटीन होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो वर्किंग आवर्स है ना वो फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो आप कब काम करोगे, शाम को करोगे, सुबह को करोगे, दोपहर को करोगे, रात को करोगे, वो आपका डिसीजन होता है सर। तो फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपके ऊपर थोपेगा नहीं कि आपको अभी करना है, ऐसा कोई थोपता नहीं है सर। आपका खुद का डिसीजन होता है आपको काम कितना देर करना है और कब करना है, सुबह को करना है। जो पार्ट टाइमर है, जो फुल टाइमर है तो वो तो पूरा दिन करते ही, वो तो है ही, लेकिन पार्ट टाइमर वाले को अपने रूटीन के हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि मुझे सुबह को करना है कि दोपहर को करना है, शाम को करना है, रात को करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। लेकिन जॉब में आप वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते। जॉब बॉस आपका टाइम फिक्स कर देगा, उसी में आपको करना पड़ेगा। अगर किसी दिन बोल जाए कि भाई तुझे 1 घंटा पहले आना है तो आपको 1 घंटा पहले ही जाना है। मैं भी बहुत सारे जॉब वाले को जानता हूँ जिसको अगर 10 बजे जाना है, किसी दिन बॉस रात को फोन करके बोल दिया कि तुझे कल सुबह 9 बजे आना है और शाम को 7 बजे के बजाय 9 बजे तक काम करना है, ऐसे बहुत सारे हैं सर। तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अपने हिसाब से सब कुछ होता है, जॉब में वो नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नो ड्रीम फुलफिलमेंट। जॉब में कोई सपना पूरा नहीं होता, घर चलता है सर, वो भी बहुत कष्ट करके, वो भी बहुत मेहनत करके घर चलता है। किसी भी हाल में EMI भरा जाता है, बिल भरा जाता है, बच्चों के स्कूल फीस भरे जाते हैं, मंथली जो लोन लिया होता है उसका EMI चलता है, लेकिन कोई सपना पूरा नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक सपना आप पूरा कर सकते हो। आपका जो जो सपना है, हर एक सपना आप नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा कर सकते हो, जो जॉब में कभी भी पूरा नहीं हो सकता सर। ये सबसे बड़ा जॉब वो लोग करते हैं जिसको दाल रोटी चाहिए, जिसको घर चलाना है, दाल रोटी चाहिए, वो लोग जॉब करते हैं। लेकिन जो सपना पूरा करना चाहते हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो आप डिसाइड करो क्या करना है, दाल रोटी चाहिए या सपना पूरा करना है, वो डिसाइड आपको करना है सर। ये बेसिक डिफरेंस है। आप किसी जॉब वाले को देखा हो मर्सिडीज BMW लेके घूमने के लिए, किसी जॉब वाले को देखा है, सरकारी भी हो जाए, किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी करने वाले को देखे हो आप मर्सिडीज लेके घूमने, BMW लेके घूम रहा है, स्विट्जरलैंड में हनीमून कर रहा है, फैमिली लेके पेरिस में घूमने गया है, ऐसा देखे हो आप, कभी भी नहीं देखोगे सर। लेकिन हर एक नेटवर्कर को आप देखोगे ये सब चीज करते हुए, उसका वही सपना होता है जिस सपने को पूरा करने के लिए वो बिजनेस में आता है। तो आपको भी अगर वही सपना है तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। अगला क्या होता है, जॉब में आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, क्योंकि जितना सैलरी आपका मिलता है वो पूरा का पूरा खर्चा हो जाता है, और थोड़ा अगर एक्सेस हो गया, बहुत छोटा मोटा बैंक बैलेंस आपका जो भी थोड़ा बचा वो आप बैंक में सेविंग्स करते हो, जो लिमिटेड बैंक बैलेंस होता है, या तो नो बैंक बैलेंस आप चेक कर लो, जितना आता है, महीने का 10,000 आ गया, 20,000 आ गया,
उसमें फिक्स रहता है, इतना घर के लिए खर्चा करना है, इतना मोबाइल बिल, इतना बच्चों के स्कूल का फीस, इतना राशन का दुकान लाना है, राशन लाना है दुकान से, इतना आपका मोबाइल का ईएमआई जाएगा, इतना टीवी का ईएमआई जाएगा, घर का ईएमआई जाएगा, फिक्स रहता है। जब टोटल हिसाब करता है पूरा पैसा चला जाता है, बचता कुछ नहीं है सर। आप देख लो जो लोग जॉब करते हैं ऐसा ही हालत है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना सर अनलिमिटेड बैंक बैलेंस होता है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं होता सर। आप कितना कमाना चाहते हो वो आपका ब्रेन जितना सपोर्ट करता है उससे भी ज्यादा आप कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। नेक्स्ट है जॉब वाले का कुछ एसेट नहीं होता सर, पैसा बचेगा तो एसेट बनाएगा ना, और बच भी गया छोटा मोटा एसेट बनाता है, छोटा मोटा एक घर ले लिया, 1 BHK 2 BHK फ्लैट ले लिया, थोड़ा छोटा मोटा गहना ले लिया, गोल्ड ज्वेलरी ले लिया, कुछ फिक्स डिपोजिट में जमा कर, बहुत कम अमाउंट का होता है। लेकिन नेटवर्क कर तो ना ह्यूज एसेट्स होते हैं, ह्यूज। आप देख लो हमारे जितने वेस्टिज के बड़े बड़े लीडर है, आप प्रवीण सर को देख लो, जितने पूरे हिंदुस्तान में वो लोग एसेट्स कितना, जो लोग घर बना रहे हैं ना करोड़ों रुपया का जो घर बना रहे, बाकी तो एसेट्स मतलब फिक्स डिपोजिट है, गोल्ड ज्वेलरी वो तो अलग से मैं रख देता हूँ, जो जो घर बना रहे हैं ना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का सब घर बना रहे, वो एसेट से तो है सर, कितना बड़ा, वो जॉब वाला सोच ही नहीं सकता, करोड़ों में उसको इन्वेस्टमेंट करना है ये जॉब वाला सोच ही नहीं सकता, उसके दिमाग में ये सपोर्ट करेगा ही नहीं सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीज सपोर्ट करता है, ये सबसे बड़ा चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे बड़ा फायदा है जो आपको जॉब में कभी नहीं मिल सकता। अगला पॉइंट क्या है चलिए देखते हैं, ये मेरा फेवरेट है, ये सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि मैं घूमना बहुत पसंद करता हूं, इसीलिए जॉब वाला ना जब छुट्टी मिलता है, छुट्टी में थोड़ा छोटा मोटा जगह, हमारे बंगाली में एक चीज बोला जाता है दीघा पूरी दार्जिलिंग दीपुदा, बंगाली में कहावत, जो लोग बंगाली सुन रहे हैं मुझे उसको उनको समझ में आता है, दीपुदा बोला जाता है, दीघा पूरी दार्जिलिंग, ये जगह पे हम लोग जाने के लिए माहिर है, ठीक है ना। क्यों? दो कारण से, एक तो पैसा नहीं होता, दूसरा टाइम नहीं होता, एक पैसा नहीं होता दूसरा टाइम नहीं होता, क्योंकि जितना आप कमाते हो उतना थोड़ा बचा के लोग दीघा चले जाते हैं, चलो पूरी घूम के आते हैं, क्या समुंदर, वो गोवा में जाके समुंदर क्यों देखना, दीघा में तो समुंदर है, गोवा में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर जाने की क्या जरूरत, कश्मीर में जाके पहाड़ देखने की क्या जरूरत है, लद्दाख जाने की क्या जरूरत है, दार्जिलिंग में भी तो पहाड़ है, वहां पे भी तो देख सकते हैं। हम लोग ये सब कह के ना खुद को कन्विंस कर लेते हैं सर, तो पैसे के कारण हम लोग जा नहीं पाते, और दूसरा जो चीज है ना टाइम नहीं होता। आप देखो हम लोग छुट्टी कैसे लेते हैं, मान लो सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, आप मान लो किसी हफ्ते सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, आप क्या करते हो, मंडे वाला दिन भी छुट्टी लेते हो ऑफिस से, या मंडे मान लो कोई ऑकेशन पड़ गया, कोई नेशनल हॉलीडे, मान लो 15 अगस्त है या गांधी जयंती है, कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया जहां पे आपको छुट्टी मिली है, तो 3 दिन का छुट्टी आपका लग गया, सैटरडे संडे मंडे, आप प्लानिंग करते हो चलो 3 दिन में कहीं घूम के आते, क्योंकि चौथा दिन आपको ऑफिस जाना है, चौथा दिन आपको ऑफिस में अटेंड करता है, तो ऐसे करके वो लोग प्लानिंग करते हैं। आप किसी भी हाल में एक दो, अब अगर मान लो अच्छी जगह पे जा रहे हो, वहां पे आपको अगर एक दो दिन एक्सटेंड करना पड़े, जिस ट्रैवल एजेंट के साथ आपने बुकिंग किया वो बोला कि सर आप ये जगह घूमना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है, आपको एक दिन ज्यादा ठहरना पड़ेगा, आपको एक दिन जाके यहाँ पे एक दिन ठहरना पड़ेगा, तो उस कारण से लोग ज्यादातर क्या करते हैं, टाइम नहीं दे पाते, नहीं सर मुझे जॉब में ज्वाइन करना है, नौकरी में ज्वाइन करना है, नहीं कर सकता, नहीं ठहर सकता, आप इतने दिन में ही घुमाओ, मेरे पास 4 दिन ही है, 4 दिन के अंदर जो करना है करो, यही बोला जाता है सर, सही है कि नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना, नेटवर्क वाले पूरा नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, महीने के बाद महीने, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना वो कहीं पे भी जाके हॉलीडे स्पेंड करते हैं, स्विट्जरलैंड मान लो, पेरिस मान लो, लंदन मान लो, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, कहीं पे भी देखो, इंडिया को छोड़ ही दो, इंडिया तो है ही है, क्योंकि उनके पास टाइम होता है। आप एक बार सोच के देखो तो सर, कि आप खुद के फैमिली के लेके, खुद का फैमिली लेके आप कहीं पे घूमने जाने की सोच रहे हो, पैसा भी आप ही खर्चा करोगे, उसके लिए किसी थर्ड पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ रही है, ये कितना बड़ा इंसल्ट है, आप सोच के देखो, आपको नहीं लगता ये इंसल्ट है आपके ऊपर,
आपको आपके बॉस से परमिशन लेना पड़ेगा घूमने जाने के लिए। क्या मैं जाऊं सर मेरे फैमिली को लेके, मुझे कश्मीर घूमने जाना है, आप मुझे 15 दिन की छुट्टी देंगे सर? बॉस पैसा खर्चा नहीं करेगा सर, पैसा खर्चा आप ही करोगे, लेकिन उसका परमिशन जरूरी है। ये सबसे बड़ा इंसल्ट, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सर, जब चाहे घूमो, जितना दिन चाहे घूमो, जितना जिन जगह आप एंजॉय कर सकते हो, जो जॉब में आपको कभी नहीं मिल सकता। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अगला पॉइंट क्या है, ये तो मैं क्या बोलूं, ये तो आप लोग ही बता सकते हो, आप लोग खुद बता सकते हो। जॉब वाला हर तरीके के लोन में फंसा हुआ है और पूरी जिंदगी फंसा रहता है सर, पूरी जिंदगी हर तरीके के लोन में वो फंसा रहता है। घर का लोन, गाड़ी का लोन, बाइक का लोन, फ्रिज का लोन, एसी का लोन, वॉशिंग मशीन का लोन, आज तो मोबाइल भी लोन में मिलता है। हर चीज का लोन, वो ईएमआई भरते 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 पागल हो गया। देखने में लगता है लगभग महीना कौन बंदा महीने 50,000 कमा रहा है, लेकिन देखने जाओ और चेक करो उसका 40,000 ईएमआई में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे हो, मेरे भी जान पहचान वाले बहुत सारे है। देखने में वो मैनेजर की नौकरी कर रहा है, मैनेजर पोस्ट में नौकरी कर रहा है, कितना सैलरी आता है भाई, 50,000, 50,000, वारे वाह 50,000 सैलरी। जब चेक करोगे ना, उसका लगभग 40,000 ईएमआई में ही चला जाता है। इसमें मोबाइल में 2,000, घर में 10,000, उसमें 2,000, उसमें 3,000, इसमें 5,000, अलग 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 करके जितना कमाता है उसका 70-80% 90% ईएमआई में चला जाता है। वो पूरी जिंदगी इस लोन से निकल नहीं सकता सर, उसका मेंटेलिटी ऐसा हो गया है ना कि वो छूट जमा करके अपने दम पे कैश पैसे से कुछ खरीदेगा, ये मेंटेलिटी उसका जा चुका है सर। वो कभी भी देखते हो लोन में ही फंसा हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ते, और गलती से भी बाहर से अगर इंटरेस्ट में पैसा ले लिया, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बाहर से पैसा मिलता है ना, वहां से अगर गलती से महाजन से पैसा ले लिया तो गया, वो तो खत्म हो गया पूरा। लेकिन नेटवर्कर का ना लोन फ्री लाइफ होता है, अगर वो सोचे, वो डिसीजन ले, तो उसके लिए लोन फ्री लाइफ है। मैं डिसीजन लिया हूं, मैं अगर पेन भी खरीदूंगा कैश पैसे से खरीदूंगा, अगर प्लेन भी खुद का चार्टर्ड प्लेन भी खरीदूंगा तो कैश से खरीदूंगा, कोई लोन नहीं। लोन शब्द मेरी जिंदगी से मैं हटा दूंगा, लोन वाला कोई वर्ड मेरे लाइफ में नहीं होगा। इसीलिए तो वेस्टेज कर रहा हूं। अगर लोन ही रखना था तो नौकरी कर सकता था, नौकरी तो है, वहां से तो ईएमआई भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है सर। तो यहाँ पे अगर आप चाहो, आप अगर डिसाइड करो, तो आप लोन फ्री लाइफ बिता सकते हो, जो जॉब में कभी भी पॉसिबल नहीं है, किसी हाल में पॉसिबल नहीं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, दैट इज एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। जॉब में आपका पूरा एक्टिव इनकम होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम मतलब आप काम करते हो पैसा आता है, काम करते हो पैसा आता है, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, आप ऑफिस में नहीं जाओगे कंपनी सैलरी नहीं देगी। ऐसा में आप एक टाइम, अब शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक्टिव इनकम होता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक टाइम के बाद आपका जब नेटवर्क बन जाता है, आप कम करो या ना करो, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आ जाता है। आप प्रवीण सर को देखो, बड़े बड़े जितने लीडर है, हर एक को देखो, आप सिद्धार्थ सर को देखो, जितने टॉप लीडर है, वो लोग आज घर से ना भी निकले ना, लाखों रुपया उनके घर में आ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा हर महीने 10 तारीख को। क्यों? को वो नेटवर्क बना चुके, वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके, पैसिव इनकम बना चुके, वो काम करे या ना करे ऑटोमेटिक पैसा आएगा। लेकिन जॉब में ये कभी पॉसिबल नहीं। आप जितना बड़ा जॉब कर लो, जितने बड़े जॉब कर लो, आप मैनेजर पोस्ट में चले जाओ, आप सीईओ पोस्ट में चले जाओ, आप काम करोगे पैसा आएगा, किसी हाल से काम नहीं कर पाओगे पैसा नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जहां से आपका पैसिव इनकम जनरेट होता है, एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपका ऐसा ऑटोमेटिकली आपके पास आता रहेगा। क्लियर? चलिए, जॉब में क्या होता है, एक बहुत बेसिक चीज है, जॉब में ज्यादातर जॉब, आप अच्छी नौकरी अगर करने जाओगे ना, वहां पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस बंदे का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। अगर आप जॉब में इंटरव्यू देने जाओगे, आपने देखा होगा फ्रेशर वाले को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। जो लोग फ्रेशर होते हैं ना, पहला नौकरी ढूंढने जा रहा है, कभी काम नहीं किया, वो एडुकेशन खत्म करने के बाद पहला, चाहे वो एमबीए हो, चाहे किसी भी डिग्री लेके बीबीए बीसीए कुछ भी करके गए, वो नौकरी इंटरव्यू देने के लिए अपना बायोडाटा लेके, वहां पे ज्यादातर लोगों को वैल्यू दिया जाता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू दिया जाता है जॉब में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है सर, कोई एक्सपीरियंस, फ्रेशर वाले को भी लिया जाता है
और उसको सिखाया जाता है कैसे बिजनेस करना है, लेकिन सपना होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि आपके पास अगर सपना होगा तो ही आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो, अगर सपना नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अब सपना तो सर हर एक के पास होता है, लेकिन मौका नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज बिजनेस आपको मौका दे रही है कि आप यहाँ से अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हो जो जॉब में कभी भी पॉसिबल नहीं है सर। और ज्यादातर जॉब में एक्सपीरियंस वाला 1 साल 2 साल 5 साल जितना ज्यादा वो काम करके आया होगा उतना उसका उसको वैल्यू दिया जाता है, उसका उतना सैलरी बढ़ता है। तो फ्रेशर वाला क्या करेगा सर, अगर हर जगह पे जाओगे हर जगह पे एक्सपीरियंस बंदा ही मांगेगा तो वो क्या करेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास ना। इसीलिए फ्रेशर वाले के लिए ज्यादातर टॉप लेवल पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं, पूछा ही नहीं जाता। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिना एक्सपीरियंस पे काम करो, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, आप एक्सपीरियंस यहाँ से गैदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कंपनी आपको कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहे कंपनी अपने हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकती है। और ज्यादातर लोग क्या होता है, ज्यादातर कभी ट्रांसफर हो नहीं पाता, घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपना इलाका छोड़ के जाना नहीं चाहता। हो सकता है घर में मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, हो सकता है फैमिली की उसकी जरूरत है, वो उनको छोड़ के जा नहीं सकता। ऐसे हालत में क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ देते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है जबरदस्ती, उनको ऐसा कंडीशन दिया जाता है कि आप अगर नहीं ट्रांसफर हो सकते तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे हालत में ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरा नौकरी ढूंढने लगते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सर ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने चॉइस से, किसी के जबरदस्ती से नहीं, कोई आपके ऊपर थोपेगा नहीं। आपको कहाँ नेटवर्क बनाना है वो आप डिसाइड करोगे, आपको कहाँ जाना है। और आज के डेट में डिजिटल सिस्टम में आप तो पूरा दुनिया आपके हाथ में है, जूम ऐप के थ्रू पूरा दुनिया आपके हाथ में है। आज देखो नेट यहाँ पे कंपनी में आज जो हम लोग रात को ट्रेनिंग करते हैं पूरे दिन में, अभी लगभग 145 पीपल ये ट्रेनिंग सुन रहे, 145 पीपल हमारे साथ कनेक्टेड है। सब क्या कोलकाता से है, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से बाहर से भी है सर, दिल्ली मुंबई पंजाब गुजरात हिमाचल सब जगह से होते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान पूरा दुनिया आपके हाथ में मुट्ठी में आज के डेट में। तो जॉब में जो प्रॉब्लम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो प्रॉब्लम नहीं है सर, आप कहीं पे भी कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, ये है बहुत बड़ा, आप लोग जो लोग जॉब करते हो ज्यादातर पर प्राइवेट में जितने लोग जॉब करते हो आपको मालूम होगा, जॉब में हर जगह पे पॉलिटिक्स चलता है, लॉबी चलता है, जिसको बंगाली में हम लोग लॉबी बोलते हैं, पॉलिटिक्स चलता है। आपका पीछे आपका तरक्की ना हो इसके लिए कॉन्स्पायर किया जाता है, कॉन्स्पिरेसी किया जाता है, जिसको बंगाली में लॉबी बोलते हैं हम लोग, ज्यादातर लॉबी लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई पॉलिटिक्स यूज। जॉब में बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत पॉलिटिक्स होता है। इसका मतलब आपका जो को एम्प्लॉय है ना, को वर्कर आपका जो कॉलीग है, वो लोग वहां पे पॉलिटिक्स चलते हैं, सीनियर लेवल पे भी पॉलिटिक्स चलता है। इसका प्रमोशन ना हो मेरा प्रमोशन हो जाए, इसका प्रमोशन कैसे अटक जाए मेरा, कोई पॉलिटिक्स लॉबी नहीं होता। एक दूसरे की सर, ऐसा दुनिया का एक लौता प्रोफेशन है जहां पे एक बंदा दूसरे की मदद कर रहा है, वो दूसरा वाला कैसे प्रमोशन हो, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उसका ग्रोथ कैसे हो, ये दूसरा वाला हमेशा ये इसमें फोकस करता है, हमेशा दूसरा वाला फोकस करता है, एक बंदा दूसरे में हमेशा फोकस करता है कि उसका ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हो। लेकिन जॉब में वो टांग खिंचाई चलता है सर, टांग खिंचाई, इसका प्रमोशन कैसे अटक जाए, मेरा प्रमोशन कैसे बढ़ जाए, बॉस मेरे ऊपर कैसे इंप्रेस हो जाए, इसके ऊपर कैसे भड़क जाए, ये सब चलता रहता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं होता सर। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉब का एक लिमिटेशन है सर, मैक्सिमम एज, आप एक एज के बाद आपको जॉब मिलेगा नहीं, एक एज के बाद ना आप अगर थोड़ा बुढ़े हो जाओगे, जितना आपका उम्र बढ़ेगा 30 40 45 50 उसके बाद आपको जॉब मिलेगा नहीं सर, ढंग का नौकरी नहीं मिलेगा, छोटा मोटा मिल जाएगा, ढंग का कोई नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एज नहीं है सर, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एज लिमिटेशन नहीं होता, आप उसका जीता जाता है। एग्जांपल है सर रमेश कुनानी सर, आपने देखा होगा, उनको जाने होंगे, रमेश कुनानी सर की आज की डेट में एज है 76, 17 साल पहले उन्होंने वेस्टिज शुरू किया था, तब उनका एज था 59। सोच के देखिए, एक बंदा 59 के एज पे जो पहले दिन वेस्टिज ज्वाइन किए थे, वेस्टिज 2 जून 2004 में स्टार्ट हुआ था, रमेश पुनानी सर उस दिन से वेस्टिज में काम कर रहे हैं, 17 साल हो गए इंसान को, आज उनका एज है 76 की उम्र में महीने के 30 लाख रुपया कमा रहे हैं वो। सोच के देखिए, 76 का आदमी, आपके आसपास के देख लो 76 वाले क्या कर रहे हैं आप देख लो,
आपके आसपास में 76 वाले क्या कर रहे हैं आप देख लो। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सर, कोई एज वाला सिस्टम नहीं है। एक 18 साल का बंदा भी लाखों रुपया कमा रहा है। आप देख रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे सिस्टम में, बहुत सारे स्टूडेंट है जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, यूथ आइकॉन है बहुत सारे, और एक 60-70 के उम्र के भी इंसान भी कमा रहे हैं, उसका कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जॉब आपका जितना एज कम होता है ना उस हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है ना आपका एम्प्लॉय जो होता है ना उस हिसाब से आपको ठीक तरह से नौकरी नहीं मिलता। हाँ अगर आप एक्सपीरियंस हो गया वो अलग चीज है, लेकिन किसी कारण से अगर आप एज के बाद नौकरी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो नहीं पॉसिबल। कोई लिमिटेशन उसका एक लिमिट होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है सर एज का। नेक्स्ट है आपका मिनिमम एडुकेशन इज कंपलसरी। आपको मिनिमम एडुकेशन तो चाहिए चाहिए, एक अच्छा नौकरी लेने के लिए कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा सर, नहीं तो आप 8 पास करोगे तो चपरासी की नौकरी मिलेगी आपको, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, वो तो नौकरी करने के लिए हम लोग जा नहीं रहे ना। हमको अच्छा पोस्ट चाहिए, कंप्यूटर में बैठ के काम करेंगे, एसी कमरा होगा, लैपटॉप में कंप्यूटर में बैठ के काम करेंगे, तो ऐसे ही चाहिए ना। उसके लिए ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, बड़े बड़े डिग्री होना आपके लिए जरूरी है सर, नहीं तो आपको वो एंट्री पॉइंट है, अगर वो होगा नहीं तो आपको एंट्री नहीं देगा। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जॉब में कंडीशन क्राइटेरिया लिखा ही रहता है कि मिनिमम इतना होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, कि मास्टर डिग्री में इतना होना चाहिए, कि एमबीए होना ही चाहिए, ऐसा उसके बाद बाकी कंडीशन आता है। पहला तो क्वालिफिकेशन वाला दिया, तो वो डिग्री अगर आपके पास होगा नहीं तो बाकी का कोई पॉइंट का फायदा नहीं, आपको एंट्री नहीं देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सर कोई एडुकेशन की जरूरत नहीं। एक मास्टर डिग्री पीएचडी वाला भी लाखों कमा सकता है, और एक अनपढ़ इंसान अंगूठा छाप भी लाखों कमा सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एमडी मोइन सर। आपने देखा होगा एमडी मोइन सर स्कूल ही नहीं गए सर, वो स्कूल ही नहीं गए, वो एक कपड़े के हॉकर थे, टेलर मास्टर थे, टेलरिंग करके कपड़ा फुटपाथ में बेचा करते थे, फुटपाथ में कपड़ा बेचा करते थे। जो बंदा स्कूल नहीं गया, अभी तक फॉर्म फिलअप करना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता, वो बंदा आज के डेट में महीने का 5 लाख कमा रहा है, बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहा है, बड़े बड़े एडुकेटेड पीपल उसके टीम में काम कर रहे हैं। इसको बोला जाता है पावर ऑफ नेटवर्किंग, जो दूसरे किसी बिजनेस में, दूसरे किसी काम में नहीं है सर, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ वेस्टिज सिस्टम में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे एडुकेशन ही देखा नहीं जाता आपका, लेकिन जॉब में एडुकेशन कंपलसरी है सर, ये आप समझ लो। अगला पॉइंट है जॉब्स आर जेंडर ओरिएंटेड। यहाँ पे भी एक चीज होता है, बहुत सारे जॉब आप देखोगे जहाँ पे लड़कियों को चांस नहीं दिया जाता, आप देखे होंगे वहां पे ज्यादातर लड़के लिए जाते हैं, और कुछ कुछ जॉब ऐसे है जहाँ पे ज्यादातर लड़कियां लिया जाता है, मतलब लड़कों को अलाउ नहीं किया जाता। तो जेंडर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट भी है, ये ज्यादा नहीं है लेकिन है, फिर भी है। बहुत सारे जॉब ऐसे है जहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए जगह है, वहां पर लड़कों का एंट्री नहीं है, और बहुत सारे लोग लड़कों के लिए है, लड़कियों का एंट्री नहीं है। तो जेंडर ओरिएंटेड होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जेंडर बार नहीं है। आप देख लो हमारे टीम में कितने बड़े बड़े लीडर है, जेंट्स भी है, लेडीज भी है, जो काम कर रहे हैं लाखों रुपया कमा रहे, रॉस्टिंग बिक्री में भी है, पूरे वेस्टिज में भी है। तो यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होता। जॉब के एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद रिटायरमेंट इज कंपलसरी। अबव 60 जब भी आप हो जाओगे तो रिटायरमेंट कंपलसरी होता है सर। गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट जॉब ले लो, 60 के बाद ज्यादातर रिटायर हो जाते हैं। एक तो आपका शरीर काम नहीं करेगा, दूसरा आपका कंपनी से आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिटायरमेंट नहीं है, आप मरते दम तक काम करो, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। कितना बड़ा सपना है, आप कितना बड़ा सपने को पूरा कर सकते हो, करो आप, पूरी जिंदगी आप मेहनत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे, जितने लोगों को आप सफल, एक टाइम के बाद तो आप खुद के लिए काम नहीं करते, आप दूसरे के लिए काम करते हो। एक टाइम जब हो जाता है, एक लेवल पे आ जाने के बाद, आज प्रवीण सर जिस लेवल पे है, दूसरे बड़े बड़े लीडर जिस लेवल पे, वो लोग अभी अपने लिए काम नहीं कर रहे, अभी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। कितने लोगों को, मैं तो सक्सेसफुल बन चुका हूं, मैं तो सफल बन चुका हूं, मैं कितने लोगों को सफल बना सकता हूं, मैं कितने लोगों को सफल बना सकता हूं, इस सोच के ऊपर वो लोग काम करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द नहीं है सर, कोई रिटायरमेंट वर्ड नहीं होता। लेकिन जॉब में एक सर्टेन एज के बाद रिटायरमेंट आ जाता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं होता। नेक्स्ट है जॉब में आपका मंथली जो फैमिली मेंटेनेंस इनकम होता है, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, ये चीज जितना आप कमाते हो उसका घर चल जाता है सर, उसमें जितना इनकम आपका आता है ना, फैमिली मेंटेन हो जाता है, महीने का ईएमआई का इतना, बच्चे का इतना, राशन का इतना, उसमें घर चल जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप कमा रहे हो वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हो आप, दोनों इनकम में फर्क है। जॉब में आप फैमिली मेंटेन करने के लिए हर महीना, हर बंदे को हर महीना कुछ ना कुछ खर्चा आता है,
जो फैमिली वाला है उसका खर्चा तो ज्यादा है, फैमिली वाला हो चाहे ना हो, उस एक इंसान का वो अगर जिंदा है उसका कुछ ना कुछ खर्चा आता है, खाने का, पीने का, सोने का, घर का खर्चा, बहुत सारा खर्चा होता है। तो वो खर्चा जिसको फैमिली मेंटेनेंस, हम लोग बंगाली में जिसको बोला जाता है संसार खर्चा, हमारा जेगुलो के बांग्लाए बोली संसार खर्चा, तो फैमिली मेंटेनेंस इनकम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप फ्यूचर बना रहे हो, फ्यूचर बिल्डिंग इनकम वो आपका, आप फ्यूचर वो हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी आपको इनकम नहीं आ रहा है, हो सकता है जॉब में आप ज्वाइन करोगे, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे अगले महीने से आपका सैलरी आना शुरू। अब इस महीने में ज्वाइन किया, पूरा महीना जनवरी में काम किया, फरवरी में आपको सैलरी मिल जाएगा, जितना आपसे बात हुआ है 10,000 और 20,000 वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्ट इंडियन बिजनेस में आपको हर अगले महीने से सैलरी ना मिले, मतलब इनकम ना मिले, 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन वो आपका फ्यूचर बना रही है सर, जॉब आपका फ्यूचर कभी नहीं बनाएगी, वो आपका घर का खर्चा निकालेगी, बिल का खर्चा, ईएमआई का खर्चा निकालेगी, लेकिन फ्यूचर कभी नहीं बनाएगी सर। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज आपका फ्यूचर बना रही है सर, ये सबसे बड़ा चीज है नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब के बीच में, जिसमें टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम नहीं होता। जॉब में सर कोई टाइम कंपाउंडिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम कंपाउंडिंग होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जॉब में काम करते हो, 8 घंटे का आपका ड्यूटी है, 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है आपको, तो वो 10 घंटे का पैसा ही आपको मिलता है सर, 10 घंटे का पैसा मिलता है आपको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मान लो आप दिन में 2 घंटा काम कर रहे हो, वेस्टिज में आप दिन में 2 घंटा काम कर रहे हो, आपके नीचे 10 लोग जुड़ चुके हैं, आपके नीचे 10 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग भी दिन में 2 घंटा करके टाइम देते हैं, तो 10 लोग अगर 2 घंटा करके टाइम दे तो 20 घंटा और आपका 2 घंटा कितना हुआ सर, 22 घंटा। दिन कितने घंटे का है सर, 24 घंटे का, 24 घंटे के अंदर 22 घंटा आपके लिए काम कर रहा, काम हो रहा है। आप कर रहे हो क्या? नहीं, आप कर रहे हो सिर्फ 2 घंटा, पूरा नेटवर्क कर रहा है 22 घंटा। अब जितना नेटवर्क बढ़ेगा, जिसका लाखों का नेटवर्क है, आप सोच के देखो आज प्रवीण सर का लाखों का ऊपर नेटवर्क है, अगर लाख लोग एक एक घंटा भी काम करे ना, एक एक घंटा भी काम कर ले लाखों लोग, तो 1,00,000 घंटा काम होता है सर। दिन कितने घंटे का है, 24 घंटा। एक जॉब वाला, नौकरी वाला दिन में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा उससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, उसका हेल्थ उसको परमिट नहीं करेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 1,00,000 का टीम आपका बन गया, मान लो एक एक घंटा काम करता है तो दिन में 1,00,000 घंटे का काम होता है। इसको बोला जाता है टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगा दुनिया के कहीं नहीं मिलेगा। एक डॉक्टर भी टाइम कंपाउंडिंग नहीं करता, वो जितना देर तक क्लिनिक में बैठेगा, जितना डॉक्टर पेशेंट को देखेगा वही उसी का पैसा उसको मिलेगा, जो ऑपरेशन करेगा उसी का पैसा वो मिलेगा, जितना देर वो मेहनत कर रहा है उसी का पैसा मिलता है। लेकिन उसके नीचे कोई काम नहीं कर रहा है, जिसका टाइम का बेनिफिट उसको मिलता है, सिर्फ एक नेटवर्कर को मिलता है, एक वेस्टिजियन को मिलता है, दूसरा किसी को नहीं मिलता है सर। नेक्स्ट, जॉब में बहुत प्रेशर होता है, ये बहुत बड़ा चीज है, जो लोग जॉब करते हैं आपको मालूम होगा, ह्यूज प्रेशर, स्ट्रेस एंड टेंशन मैं देखता हूं, और मंथ एंड में इतना प्रेशर वो तो पागल हो जाते हैं। जब मंथ एंड आता है ना, इतना प्रेशर, हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, मतलब क्या बोलूं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उसको मालूम है जॉब में कितना प्रेशर और स्ट्रेस रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रेशर नहीं, हम लोग बिंदास होकर काम करते, स्ट्रेस फ्री लाइफ, कोई टेंशन नहीं है, मजे मजे में काम हो जाता है, फ्री मतलब खेल खेल में बिजनेस हो जाता है। लेकिन जॉब में वो कहीं नहीं होता, इतना प्रेशर रहता है, इतना स्ट्रेस, बंदा मतलब वो चाहे तो अभी कल ही नौकरी छोड़ दे, ऐसा हालत बन जाता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता, बंदा हुआ है ना, उसको महीने के 1 तारीख को जो सैलरी आता है उसको तो वो चाहिए, इसीलिए छोड़ नहीं पाता इतना प्रेशर देने के बाद। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब सुबह को 8 बजे निकल जाता है, रात को 10 बजे 11 बजे तक निकलता है, फोन पकड़ने की टाइम नहीं है उसको, फोन करता हूँ फोन उठाने का टाइम नहीं है उसके पास, काम में इतना बिजी रहता है, टीम को देखता है, उधर जितने एम्प्लॉय उसका देखना पड़ता है, कस्टमर को हैंडल करना है, क्लाइंट को देखना है, इतना प्रेशर है वर्क का, फोन उठाने की टाइम नहीं है, दिन के बाद एक एक दिन के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाता है फोन नहीं उठाता, इतना प्रेशर रहता है। जो नौकरी में होता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब में, जॉब वाला या तो रेंटेड हाउस में रहता है क्योंकि पैसा नहीं है घर खरीदने का, रेंटेड हाउस में रहता है, भाड़े के घर में, अगर थोड़ा ज्यादा पैसा हुआ तो छोटा मोटा एक घर ले लिया या छोटा मोटा फ्लैट खरीद लिया, वो भी हाउस लोन के ऊपर, छोटा मोटा घर, या तो ज्यादातर लोग आप देखे होंगे भाड़े के घर में रहते हैं, नहीं तो अगर पैसा नहीं होता, अगर थोड़ा पैसा हुआ
थोड़ा अप लेवल पे, अपर लेवल पे जो लोग है, हाउस लोन ले लिया, एक छोटा घर बना लिया या तो फ्लैट खरीद लिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ना बड़े बड़े लग्जरियस बंगलों में रहते हैं। आप उनका बंगला देख लो, विक्टोरियन वाले का बंगला देख लो, हमारे कंपनी के कितने बड़े बड़े लीडर है आप देख लो, 2 करोड़ 5 करोड़ का बंगला बनाया। यूट्यूब में जाके आप चेक कर लो कितने बड़े बड़े बंगलो है उनके, लग्जरियस जो सपनों का घर बोला जाता है वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं सर, लेकिन जॉब में वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। जॉब वाला एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, या तो बाइक लेता है, और थोड़ा अपर क्लास हुआ तो लोन लेके, कार लोन से गाड़ी, कार लोन से गाड़ी, या तो ज्यादातर आप देखे होंगे 90% आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से, ऑटो से, मेट्रो से, ट्रेन से चलता है, नहीं तो बाइक ज्यादातर, नहीं तो छोटा मोटा एक गाड़ी, ऑल्टो ले लिया 5 लाख का, ऑल्टो ले लिया 5 लाख का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, वॉल्वो, रेंज रोवर, इसके नीचे बात ही नहीं करते। अभी तो ये भी मतलब पुराना हो रहा है, अभी तो फेरारी लैम्बोर्गिनी की बात हो रही है। अभी जो टाइम आने वाला है ना, 2022 साल चल रहा है, 2025-2030 अब वेट कर देख लो, नेटवर्क मार्केटिंग में फेरारी और लैम्बोर्गिनी की बात हो रही है, और बहुत जल्दी आपका प्राइवेट जेट भी आने वाला है। वेस्टीज तो खुद का जेट लेगी 2025 से, लेकिन वेस्टीज के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर 2025-2030 तक खुद का प्राइवेट जेट लेगी, हेलीकॉप्टर लेगी, वो भी दिन आने वाला है। जॉब वाला सर सोच ही नहीं सकता, वो उसके ब्रेन में ये सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मुझे जितना मिलता है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मुझे ऐसे ही चलना है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट है एवरेज एजुकेशन फॉर चाइल्ड लोकली। गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं सर, नजदीक वाला जो गवर्नमेंट स्कूल है वहीं पे बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाला का बच्चा ना, अगर कोई मास्टर डिग्री कोई बड़ा करना है, वो नेशनल या तो इंटरनेशनल भेज देता है। आप देख लो बड़े बड़े लीडर के बच्चे अमेरिका में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं उनकी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वैसा ही होता है सर। हम लोग क्या करते हैं, नजदीक वाला गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादातर बच्चे को भर्ती करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट एडुकेशन, अगर आप अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा सर। आपने वेस्टीज में, मैं एग्जांपल देता हूँ, वेस्टीज में आपने शायद नाम सुना होगा, आपने दीपल और नीलेश पात्रावाला जी का, आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा दीपल और नीलेश पात्रावाला, वो वेस्टीज के एम्बेसडर है, मुंबई में रहते हैं। उनका जब वेस्टीज उन्होंने स्टार्ट किया था ना, उनके बच्चे का स्कूल का फीस देने का पैसा नहीं था उनके पास, ऐसा हालत हो गया था उनके बच्चे का, स्कूल का फीस जो भरना है उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन आज के डेट में उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं सर, यूएसए में, जिसका महीने का खर्चा आता है 3 लाख रुपया, महीने का खर्चा, साल का नहीं सर, महीने का खर्चा आता है 3 लाख। सोच के देखिए, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जिसका एक टाइम में बच्चे के यहाँ का मुंबई का स्कूल का फीस देने का पैसा नहीं था, आज वो महीने का 50 लाख से ऊपर कमाती है वो दोनों। इसी को बोला जाता है पावर ऑफ नेटवर्क, जो जॉब में कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अपने बच्चे को अगर अच्छा एडुकेशन देना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर लो सर। जो करते हैं फैमिली वाले लोकल एवरेज मेडिकल ट्रीटमेंट, घर वाले जितने हैं, मम्मी पापा बच्चे बीवी सबको एवरेज हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का क्या हालत है आपको भी मालूम है, जाता है 3 महीना 6 महीना आपको बेड नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई बंदा वहां पे धक्का धक्की कर रहा है, इतना भीड़ लगता है, एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला, टोटो वाला, सब कोई जाता है, और एक नौकरी वाला भी जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लेकिन जॉब पॉसिबल नहीं है, वो सरकारी नौकरी, सरकारी हॉस्पिटल में ही खड़ा रहता है, लाइन पे लगा रहता है, घंटे के बाद घंटे लाइन में लगा रहता है, फॉर्म भरता है, टिकट बनाता है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाता है, ऐसा हालत हो चुका है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिक्कत हुआ, ट्राई लगा, देर अंदर फ्लाइट पकड़ा, वो बाहर चला जाता है। अगर ये भी आपको चाहिए तो आपको वेस्टेज करना पड़ेगा। जॉब में सर पूरी जिंदगी आपको मेहनत करना है, पूरी जिंदगी, आप जितना दिन पैसा कमाना चाहते हो पूरी जिंदगी आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक बंदा 20 साल पढ़ाई लिखाई करता है, 20 साल के बाद वो किसी नौकरी में ज्वाइन करता है, उसके बाद 60 साल तक वो मेहनत करता है,
60 के बाद रिटायर होता है, तो 20 से लेके 60 साल, 40 साल वो मेहनत करता है। 40 साल दिन आप देख लो अपने उम्र के बड़े बुजुर्ग को आसपास में देख लो, जितना है आपके फैमिली में, रिश्तेदार में, आस पड़ोस के, 40 साल दिन रात मेहनत करने के बाद भी ना सर उसका सपना पूरा नहीं होता, सक्सेस उसको नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 4 से 5 साल आपको मेहनत करना है। अगर 4 से 5 साल का विजन लेके चलोगे ना तो यहाँ पे आप सक्सेस हो जाओगे। जितना पूरी जिंदगी में मेहनत करना है वहां पे आपको सिर्फ 10%, 40 साल नहीं, सिर्फ 4 साल, सिर्फ 5 साल आपको मेहनत करना है। 5 साल में आप रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करते हो। आप देख लो प्रवीण सर को, देख लो अलग अलग जितने भी रीडर है, हर एक को देख लो जो ऑलरेडी 5 साल काम कर चुके हैं ना, वो रिटायरमेंट जोन में है। अब तो वो लोग आप बोल रहे हो, बोल सकते हो वो मीटिंग में रहते हैं, अब तो वो आपके लिए रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ी रहते हैं। बड़े बड़े लीडर अभी उनका सोच ऐसा होता है कि मुझे इस बंदे को सक्सेसफुल बनाना है, मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से मैं कितने लोगों को सक्सेस बना सकता हूँ, कितने लोगों को मैं सफल बना सकता हूँ, ये सोच उनके अंदर हो जाता है। अब वो उनके लिए काम नहीं कर रहे सर, तो पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता एक टाइम के बाद। लेकिन नौकरी में क्या ना, आपको पूरी जिंदगी जितना, जब तक आप जॉब करोगे, जॉब छोड़ दिया अगले महीने से आपका सैलरी आना बंद, अगले महीने से आपका सैलरी आना बंद हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप 4 से 5 साल दिन रात मेहनत करो, उसके बाद आपका नेटवर्क बनेगा, ऑटोमेटिक आपका पैसे इनकम आता रहेगा, पूरी जिंदगी आपको आता रहेगी, और ऑटोमेटिक इनकम बढ़ता रहेगा, ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा इनकम, ये इनकम घटने वाला ही नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। आप काम करो या ना करो ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को इतना देर टाइम देने के लिए। आशा करता हूँ आपको सबको क्लियर हुआ जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपने सब लिख लिया होगा एक एक पॉइंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बेसिक डिफरेंस कुछ नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब के बारे में। तो आप ध्यान में रखिए, अगर कोई आपको बोलता है जॉब के बारे में तो उसको भी आप दिखाइए कि ये डिफरेंस होता है जॉब के और नेटवर्क मार्केटिंग में। और खुद को भी समझना पड़ेगा सर, अगर आप जॉब कर रहे हो, अभी कर रहे हो, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्ट टाइम में सीरियसली वेस्टेज को करो, सीरियसली वेस्टेज करके आप एक इनकम को जनरेट करो। प्रवीण सर भी एक टाइम पे नौकरी करते थे सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक, लेकिन उनका फोकस क्लियर था कि मुझे जॉब पूरी जिंदगी नहीं करना, अभी कर रहा हूँ बस ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं करना है, मैं वेस्टेज को खड़ा करूंगा, यहाँ से बड़ा इनकम आएगा तो जॉब को क्विट कर दूंगा। तो वो दिन में 2-3 घंटा रात के टाइम को देते देते जब उनका बड़ा इनकम आया, जॉब उन्होंने क्विट कर दिया। तो आपका भी फोकस वो क्लियर होना चाहिए, तो मैं जो टाइम दे रहा हूँ यहाँ से मैं बिजनेस को जनरेट करूंगा, टीम दूंगा, टीम को डेवलप करूंगा, फिर मेरा इनकम जब जैसे जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली मैं फुल टाइम वेस्टेज में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये फोकस लेके आप लोग काम करिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को लिए, आप सपना पूरा करिए। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए, ऑल द बेस्ट, विश यू।